गाइस, मैं हूं अमित। और गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पीछे फिलहाल पूरी दुनिया लगी हुई है, जिसको बनाने में हर कोई लगा हुआ है, सारे देश चाहते हैं कि हम जो है तगड़ी तगड़ी चीज बना लें, तो गाइस उनमें से एक चीज है रोबोट्स। गाइस, रोबोट एक ऐसी चीज होती है जो कि इंसान के काम को आसान कर सके, लेकिन हमको भाई साहब ये चीज ज्यादा समझ में आती नहीं है कि रोबोट कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे वो सीखते हैं। तो आज हम आपको उसी का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने वाले हैं। आज हमारे पास में यहाँ पर है गाइस ये रोबोट, और इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा, इस डब्बे के अंदर कोई रोबोट तो नहीं है, बहुत सारे पुर्जे हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं जिनको मिला करके एक रोबोट जो है वो तैयार किया जा सकता है। और ये जो रोबोट है ना, बहुत सारे काम कर सकता है, यानी कि इंसान की जो जिंदगी है उसको आसान कर सकता है। हालांकि ये बहुत छोटा ही बनेगा, लेकिन फिर भी गाइस एक मॉडल यहां पर हम आज आपके सामने तैयार करने वाले हैं। आपको पूरा समझ में आएगा कि एक रोबोट को आखिरकार चीजें सिखाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, वो काम कैसे करता है। तो फटाफट शुरू करते हैं। और गाइस, इस वीडियो के लिए बस हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपका लाइक चाहिए है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यार गाइस आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, आपको ये चीज़ पसंद आई है, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। और बस यही चाहिए गाइस, लाइक कर देना सब लोग। फटाफट शुरू करते हैं। गाइस, ये है लेगो का माइंडस्टॉर्म्स EVS रोबोट, और इसके अंदर बहुत सारे रोबोट्स बनते हैं। मतलब बेसिकली इसके अंदर अलग अलग काम करने वाले रोबोट्स बन सकते हैं, जो कि पीछे दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखो, एक इस तरीके का लंबा आम वाला बन सकता है, यहाँ कोई टैंक वाली जैसी चीज़ बन सकती है, यहाँ पर ऐसा एक इंसान जैसा रोबोट बन सकता है, अलग अलग काम करने वाले रोबोट्स बन सकते हैं। और हमको जो है सारे पुर्जों को जोड़ करके रोबोट बनाना है, उसको सिखाना है कि भाई तुझे क्या क्या करना है। तो वो सब आपको जो है वीडियो के अंदर ही देखने को मिलता रहेगा। अगर इसकी कीमत की बात करें तो गाइस ये जो है 45,000 रुपये का मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत सस्ता है, लेकिन यार गाइस टेक्नोलॉजी है तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर इतना पैसा देना शायद ठीक है। तो अब जो है फटाफट से बॉक्स को खोलते हैं। खोलने से पहले एक बार आपको जो है डब्बा दिखा देता हूँ। मस्त रोबोट इधर बना हुआ है। पीछे की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको ये ऑलरेडी दिखाई दिया है, ये जो है बैटरी पावर्ड है, बैटरी से चलेगा। और ये जो है ना 10 साल से बड़े बच्चों के लिए है, तो वो लोग इसको बना सकते हैं। तो गाइस हम भी जो है 10 साल से बड़े बच्चे ही तो हैं। अब जैसे आप इस रोबोट को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, और रोबोट जो है वो जिंदगी को आसान बना रहे हैं। फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी। गाइस मुझे लगता है कि ये वाली सेंचुरी टेक्नोलॉजी की सेंचुरी होगी, और ब्लॉकचेन्स, वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब आगे बहुत बढ़ने वाली है, और यही फ्यूचर है। जैसे रोबोट एक न्यू टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी भी। गाइस आप सबको तो पता ही है कि पिछले कुछ टाइम में क्रिप्टो करेंसी कितना तेजी से ग्रो हो रही है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी इसमें और ग्रोथ होना बाकी है। और आप भी देर मत कीजिए, आप भी अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं CoinSwitch कुबेर, जिसमें आप सिर्फ 100 रुपीज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और 85 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इजी टू यूज ऐप है, जिसके 1.5 करोड़ से भी ज्यादा वेरीफाइड यूजर्स हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, ब्लॉकचेन्स के बारे में, तो आप इनका ब्लॉग कुबेर वर्स भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस देर किस बात किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट से चेकआउट कर लीजिए। और हाँ, आपको मिलेगा 100 रुपीज का बिटकॉइन भी, और अगर आप रेफर करते हैं अपने फ्रेंड्स को तो आपको 100 रुपीज का बिटकॉइन और भी मिल सकता है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इस पे गाइस जो है यहाँ पे टेप लगी हुई है, तो टेप को काटते हैं। और वाओ, इसके अंदर इतनी सारी चीजें निकली हैं, क्या बात है भाई साहब, सबको जोड़ना पड़ेगा। अरे यार, हर एक चीज के अंदर इतने सारे जो है छोटे छोटे पीसेस हैं, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर अलग चीजें हैं, इसके अंदर भी देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अभी मैं इनको मिक्स भी नहीं करना चाह रहा हूँ। इस तरीके के जो छोटे छोटे पीसेस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो इसके अंदर हैं, सबको जोड़ना पड़ेगा भाई। ये फंस गया। 10, 11 गाइस, इस तरीके के 11 बॉक्सेस हमको मिले, या फिर 11 पैकेट्स हमको मिले, जिनमें छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हैं। तो अब देखते हैं इनको कैसे जोड़ना है। यहाँ पर एक इसका मैनुअल भी आया है, तो ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस मैनुअल को पढ़ के ही कुछ पल्ले पड़ेगा। मैनुअल नहीं है भाई, पूरी बुक ही है एक। यहाँ पर पूरी प्रोसेस है कि इस तरीके से जोड़ो, उसके बाद में क्या घुसाना है, फिर ये बड़ा होता जाएगा, और इस तरीके से भाई ये पूरी किताब है। देखो गाइस, इन छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ों को देख करके मुझे लग रहा है कि भाई इसको बनाने में तो यार कई दिन लगने वाले हैं, तो 2-3 दिन का टाइम जो है इसमें लग सकता है। चलो लेकिन स्टार्ट करते हैं, मज़ा बहुत ही आने वाला है। अब ये चीज़ तो ज़रूर से लग रही है, और लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो भी मज़ेदार हो सकता है। भाई साहब, इस रोबोट को बनाना इतना सिंपल नहीं है, दिमाग घूम गया। ये क्या है?
तो यहाँ पर मुझे अपने टैबलेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसमें जो है मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया जहाँ पर हमको सिस्टमेटिकली बताया जाएगा कि किस तरीके जो रोबोट है उसको बनाना है। मैं जो है ये वाला बनाना चाह रहा हूँ जिसमें इंसान जैसा दिखता है, तो ये पहला स्टेप है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स को फॉलो करते जाना और फिर देखते हैं क्या बनता है। ये रहा गाइज, ये रहा पहला पार्ट जिससे शुरुआत होगी। ये देखो इसमें जो है वो मुझे मिल चुका है, ये वाली चीज़ मुझे मिल चुकी है। तीन ये चाहिए और एक ये चाहिए, तीन। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो गाइज स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आधा घंटा दिमाग खपाने के बाद में ये जो दो टुकड़े हैं ये हमने बना लिए। और अब जो है ये वायर्स के लिए बोल रहा, तो इस टाइप की जो वायर्स है वो अब हमको कनेक्ट करनी है। तो गाइज हमको जो है रोबोट बनाते बनाते रात हो गई है, भाई साहब थक गए हैं बुरी तरह, लेकिन मजा भी आ रहा है। ये जो है सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। ये जो है इसका अगला स्ट्रक्चर बन रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। और इसको इस इतने से टुकड़े को बनाने में भी लगभग जो है 40-45 मिनट का टाइम लगा। इसमें दिमाग खपाने वाली बात, लेकिन मजा आ रहा है गाइज, तभी तो लगे हुए अभी भी। गाइज फाइनली दो दिन के काम के बाद में सारे पार्ट्स को, सारे मोटर्स को, सारे छोटे छोटे पीसेस को जोड़ने के बाद में जो रोबोट है वो तैयार हो चुका है, जो कि है यहाँ पर अभी तो फिलहाल पड़ा हुआ। और गाइस अभी जो रोबोट है वो आप लोगों के सामने आ चुका है, फिलहाल खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो है गाइस फिलहाल एक बिना मुंडी का इंसान है, बिना मुंडी का रोबोट है गाइस। तो यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सिंपली इसके दो पीसेस यहाँ पर हैं जो कि जुड़ करके रोबोट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सोचा आपको ये जो पूरी प्रोसेस है वही दिखा देंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसका अटैकिंग आर्म है जो कि हमला करता है। और गाइज आपके सामने ही जो है मैं इसको असेंबल कर देता हूँ। और ये जो इसकी मुंडी है, पहले इसको जो है पावर दे देते हैं जो कि मिलेगी गाइज यहाँ से। और ये गई गाइज केबल, हाँ। और गाइस आप लोगों के सामने जो पूरा रोबोट है वो बन करके तैयार है। और अब यार जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना इसको हाथ में लेकर के, वो बहुत ही तगड़ा है। देखो गाइस, गाइस आप लोग है ना इस रोबोट की डिटेलिंग देखो एक बार, देखो एकदम जो है परफेक्ट जो है चीज़ें इसके अंदर लगी हैं। सारे पुर्जों को जो है एकदम छोटा छोटा जोड़ जोड़ करके तब ये जो मशीन है ये बन पाई है। भले ही आप पीछे से देखो, भले ही आप आगे से देखो, यार गाइस क्या बात है, इसको देख करके मुझे तो मज़ा ही आ रहा है देख देख के इसको। तो अब है इसको टेस्ट करने की बारी। बना तो हमने दिया है लेकिन काम करता है या नहीं ये अभी हमें भी नहीं पता है। बैटरीज गई और गाइस अब बारी है हमारे इस रोबो को स्टार्ट करने की। दो मिनट में जो है रिलैक्स हो लेता हूँ पहले। भाई बैठे बैठे ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना इसको बैठे बैठे करना पड़ा, खड़े होके कुछ कर ही नहीं सकते ना। चलो ठीक है गाइस अब जो है इसको ऑन करते हैं। लेकिन यार आप लोग जो है इस वीडियो के लिए अब लाइक का बटन जरूर से दबा देना भाई, इसके लिए दबना चाहिए लाइक का बटन। ये है इसका ऑन करने का स्विच एकदम सेंटर में, इसको दबाता हूँ और लाइट आ गई, लाइट आ गई, क्या बात है। इसमें लिखा है माइंडस्टॉर्म स्टार्टिंग, इसमें रेड कलर की लाइट आ रही है और कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आई है। लेकिन अच्छी बात ये है कि स्टार्ट तो ये हो गया है, स्टार्टिंग लिखा हुआ है, तो इसको टाइम देते हैं जितना टाइम ये स्टार्ट होने में लेता है। हाँ अभी भी स्टार्ट ही आ रहा है। और गाइस मेरे से बता इंतज़ार नहीं हो रहा, अगर ये जल्दी से चालू हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। ओह वाओ एक आवाज़ आई। और गाइस इसकी जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, क्या बात है। और ये जो रोबोट है ना बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, इसके अंदर जो मोटर्स हैं, जो सिस्टम है वो पूरा हमारे अकॉर्डिंग काम कर सकता है। इसको चलाना है, पैदल चलाना है, भगाना है, स्लो चलाना है, फास्ट चलाना है, घुमाना है, इससे हमला कराना है, या ये कुछ बोलेगा, ये कुछ सुनेगा,
सारी चीज़ें ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो है प्रोग्रामिंग चाहिए और इसको जैसे काम करवाना है वैसे वाली प्रोग्रामिंग चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन है, ये है इसका रिमोट, IR रिमोट। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको IR के थ्रू ना कंट्रोल करके अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कंट्रोल करना, या फिर लैपटॉप से कंट्रोल करना, या फिर टैबलेट से कंट्रोल करना, तो उसके लिए जो है अलग से सॉफ्टवेयर है। तो इसको जो है गाइस ब्लूटूथ से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इसका ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सिस्टम जो है उसको ढूंढना पड़ रहा है चीज़ों को। ठीक है, ये मैंने ब्लूटूथ कर दिया है ऑन और डन। और अब जो है मैं अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, रोबोट के अंदर ज़िंदगी डाल रहे हैं गाइस, और यार इंसान ने पता है कैसी कैसी मशीनें बना दी। ये जो रोबोट है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो सोचो कि जो रोबोट्स इससे भी बड़े और इससे भी कॉम्प्लेक्स होते होंगे वो कितनी तगड़ी मशीन्स होती होंगी, और उसको बनाने में यार कई सालों लग जाते हैं। ओए ओए ओए, क्या बात है गाइस, रोबोट हिला, आपने देखा? ओ वाओ, इसमें जो है आप लोग देख सकते हो मेन्यू के अंदर बहुत सारे बटन है, इसको आगे पीछे करने का, शूट करने का, कई सारे ऑप्शन है। तो ट्राई करके देखते हैं, मैं गो का बटन दबा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओए गाइस, यहाँ पर हमारा जो रोबोट है, रुको रुको रुको, वो आगे चलने लग गया, क्या बात है। बैक दबाता हूँ, ओ वाओ गाइस, फाइनली जो मेहनत है वो काम करी है, और कम से कम ये तो नहीं हुआ कि रोबोट ऑन ही ना हो, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के जो रोबोट है वो ऑन हो गया। मैंने जो सारे सिस्टम्स वगैरह हैं ये पहले ही देख लिए थे, पहले ही पढ़ लिए थे कि कैसे कैसे क्या करना है, तो इसलिए गाइस पहली बार में काम हो गया, लेकिन मज़ा आया यहाँ पे। ये जो है बैक चल रहा है, सिंपल है, और अब ये जो है गाइस फ्रंट चल रहा है, सिंपल है। गाइस यहाँ पर अगर मैं राइट का बटन दबाता हूँ, ओ वाओ, जो रोबोट है वो राइट टर्न ले रहा है, और ये मैंने रोका, क्या बात है, लेफ्ट टर्न लेते हैं, देखते हैं सब चीज़ें। अरे वाह यार गाइस, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, और अब रोबोट को मुझे घुमाने की हिलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही जो है पूरा मूवमेंट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है गाइस। इसके ऊपर यहाँ पे एक सेंसर है, और जैसे ही मैं यहाँ पे हाथ ले जाऊंगा, देखना ये जो है ये सेंसर काम करता है, ये देखो, और ये बोलता है मुझसे दूर हट जाओ। अब जो है इसके हथियार का इस्तेमाल करते हैं, इसके हाथ में एक हथियार है जिससे ये शूट कर सकता है, तो जरा अटैक मोड पे आते हैं। वाह, वो गई, देखो वो बॉल वहां पे गई, ये शूट, ओ ओ ओ, 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 ओ आगे बढ़ते हो, मार रहा है, अटैक करके गया। ये मस्त है यार, एक बार फिर से करते हैं भाई, इस बार 3 गोलियां मैं खाने वाला हूँ अटैक मोड में। आगे, और आगे चल के मारता, ओ शिट, 2 मारी इसने, क्या चक्कर है, एक बार फिर से अटैक कराते हैं। ओ तेरी, ओ तेरी, इसको दिख रहा है क्या कि मैं यहाँ पे हूँ? अभी ये ऊपर मार रहा है, पहले ये नीचे मार रहा था, अभी ये ऊपर मारने लग गया जब मैं इसके पास आया हूँ। तो चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि ऊपर मार रहा है या नीचे मार रहा है। चलो अटैक अटैक, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बस बस भाई, बस 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 बस। गाइस अगर मैं इस रोबोट की इंटरनल जो प्रोग्रामिंग है इसको कैसे काम कराना है वो दिखाऊं, आप लोग अगर क्लोज में देख पाएंगे तो ये जो है मोशन के लिए है, मोशन के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स हम इसको दे सकते हैं। ये जो कंट्रोल्स है ये हम इसको मूवमेंट के लिए दे सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, ये डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर जो है साउंड के कंट्रोल्स हैं, ये इवेंट्स के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, ये कंट्रोल करने के लिए और चीज़ें हैं, इसके अलग अलग जो सेंसर्स हैं उसके कंट्रोल जो है यहाँ पर हैं। तो गाइस फिलहाल अभी जो मैंने इसको प्रोग्राम दिया था ये उससे काम कर रहा है। रोबोट देखो, मुझे मत देखो यार, रोबोट देखो, रोबोट को अभी काम दिया था ना आपके सामने, वो अभी ये कर रहा है। मैंने जल्दीबाजी में बिना देखे इसको पता नहीं क्या काम दे दिया, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, बस 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 बस। और गाइस बहुत प्रिसाइसली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो मोटर की स्पीड है, देखो अभी सभी में 50% है, लेकिन अगर हम चाहें तो मान लो इसको अगर 48% करना है, 48% हो जाएगी, तो रोबोट थोड़ा सा धीरे चलेगा, और धीरे करना है तो 25% कर सकते हैं, तो और स्लो चलेगा, आगे पीछे दाएं बाएं जो इसके अंदर सारी मोटर्स हैं सभी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे मर्जी इसको चलाना है वैसे चला सकते हैं इस प्रोग्राम्स की मदद से, और इसको भले डांस करवाना है, इसको हिलाना डुलाना है, इसको कहीं भेजना है, वहाँ कुछ बोल करके आना है, या कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें कर सकता है। और यहाँ पर अगर मैं करंट स्पीड पे इसको करता हूँ तो ये जो है इस मोटर की स्पीड भी दिखाएगी, आप लोग देख सकते हो कि कितने परसेंट स्पीड के ऊपर काम कर रही है फिलहाल। अब जो है ये फ़ोन से नहीं बल्कि इस कंट्रोलर से चलेगा, और इससे कंट्रोल करने में इसको और भी ज़्यादा मज़ा है,
क्योंकि इसमें इंडिविजुअल एक एक मोटर को हम बहुत आसानी से बढ़िया से कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो, अरे मेरे फोन पे चढ़ गया, ओ मेरे फोन पे चढ़ गया, घूम गया, जल्दी 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 जल्दी, अरे 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 अरे। फिलहाल इस IR कंट्रोलर की मदद से जो है मैं इसको शूट करवा रहा हूँ। तो भाई साहब कुछ इस तरीके से हमारा जो रोबोट है वो काम करता है, और आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है। एक लास्ट फंक्शन और है बड़ा ही मज़ेदार, वो भी दिखाता हूँ इसका। इसका ये जो आर्म है ना, ये वाला, ये पूरा एज इट इज़ निकल जाता है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी लगा करके दिखाया। तो इसमें दूसरी चीज़ लगती है, और ये है दूसरा हथियार जो कि लगेगा यहाँ पे। और अब मैं इसको करता हूँ ऑपरेट सेकेंड चैनल पे लगा के। ये लो गाइस, अब जो है फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि ये जो है मारने वाला तलवार जो है वो यहाँ पर घूमे जा रही है, और अगर इसको आगे पीछे चलाना है तो वो सारे काम ये करेगा। तो गाइज यहाँ पर जो रोबोट है वो बहुत बढ़िया से बन करके काम कर चुका है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसे और रोबोट्स हम लोग बनाएं जो कि इन्हीं की मदद से बन सकते हैं, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर से बता देना, और इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना गाइस, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको ऐसे और रोबोट्स भी बनाने हैं। और कहीं ना कहीं ये दिखता छोटा सा है गाइस, लेकिन इसको बनाने में मेरा हाथ थक गया, इसको बनाने में जो दिमाग है वो बहुत लगाना पड़ता है, सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ करके जो है ये बनता है, और टाइम भी देना पड़ता है, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आपको अगर ऐसा काम करता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है गाइस, लाइक कर देना वीडियो के लिए ज़रूर से, ठीक है, आपके भाई के लिए और इस रोबोट के लिए और सब लोगों की मेहनत के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।